बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज, क्योंकि हम हैं आज का बिहार। बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के औरंगाबाद स्थित मगध विश्वविद्यालय की अंगीभूत प्रतिष्ठित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में 75वें स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पूर्व तिरंगे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने को लेकर छात्रों और प्राचार्यों के बीच शुरू हुई मूंछ की लड़ाई अब थाना पुलिस तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि 13 अगस्त को कुछ छात्रों को यह बात संज्ञान में आया कि कॉलेज परिसर में नियमित रूप से फहर रहा तिरंगा फटा हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत कॉलेज के प्राचार्य से करते हुए फटे हुए राष्ट्रध्वज को तत्काल बदले जाने की मांग कर दी। उस वक्त प्राचार्य ने छात्रों को यह कहकर टाल दिया कि दो दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा तो बदला ही जाएगा, साथ ही उन्हें कॉलेज में किसी बहाने राजनीति करने के बजाय पढ़ने लिखने की सलाह दी। छात्रों को तिरंगे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने को प्राचार्य द्वारा राजनीति करार दे देना नागवार गुजरा और विरोध में उन्होंने न केवल कॉलेज परिसर में प्रचार के नाम पर लगे शिलापट पर काली पोत डाली बल्कि फटा हुआ तिरंगा लहराने का वीडियो वायरल करते हुए प्राचार्य के खिलाफ तिरंगे का अपमान करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए औरंगाबाद नगर थाना में आवेदन तक दे डाला। हालांकि प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन प्राचार्य ने उल्टी उन छात्रों पर कॉलेज में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी। छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज होते ही औरंगाबाद के कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह छात्रों के समर्थन में उतर आए। समर्थन में उतरे विधायक NSUI के छात्र नेताओं के साथ मिलकर कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने नगर थाना पहुंच गए। वहां छात्रों ने नगर थाना अध्यक्ष को प्राचार्य के खिलाफ नया आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। हालांकि छात्रों के आवेदन के आलोक में अभी प्राचार्य पर प्राथमिकी नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में विधायक ने प्राचार्य को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें एक दल विशेष का एजेंट और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला प्राचार्य करार दे दिया है। प्रिंसिपल के द्वारा घुस के और शिलान्यास बोर्ड को कोताही किया गया है, जो कि किसी भी तरह से दृष्टिकोण से संवैधानिक नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि छात्रों के द्वारा शिलापट को कोता नहीं चाहिए, खिलाफ जो भी कानून संबंध कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको आवेदन देना चाहिए था उन लोगों को। DM साहब को हम लोगों के संज्ञान में लाते, हम लोग गृह संबंध जो होता वो आग्रह करते प्रशासन से कार्रवाई हो, लेकिन इस बात के लिए हम लोगों को दुख है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं छात्र नेता हैं वो विरोध दर्ज कराते हैं और कॉलेज प्रशासन उनको असामाजिक तत्व बताता है। छात्रों को असामाजिक तत्व बतलाना ये प्रिंसिपल का दिखाता है कि वो कितने हैं संवेदनशील हैं छात्रों के प्रति, छात्रों के भविष्य के प्रति, और उनके द्वारा FIR दर्ज, ये तो कॉलेज कैंपस में ही सुलझा लेने वाला मामला था, ये तो कोई बड़ा मामला नहीं था। आप छात्रों को बुलाकर, आप छात्रों के अभिभावक के रूप में कॉलेज में हैं, छात्रों को बुलाकर उनको डांट डपट देना चाहिए था, ये मामला वहीं खत्म हो जाता। अब आप FIR करने चले हैं लोगों पर और छात्रों का भविष्य खराब करने पर तुले हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा तो बहुत सारी गलतियां की गई हैं कॉलेज कैंपस में। और ये फटा झंडा आप फहराते हैं, उसके अलावा आप शिलापट पे जिन जो छात्रों ने विरोध दर्ज कराया उस शिलापट पर चुने हुए जन छात्र नेताओं का नाम नहीं है, वैसे लोगों का नाम है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो किसी दल विशेष से, किसी संगठन विशेष से ताल्लुक रखते हैं और उसी की सदस्यता ग्रहण करते हैं प्रिंसिपल और फिर बाद में डिनाई करते हैं, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि उनका एक नेक्सस चल रहा है उनका महाविद्यालय में और उस नेक्सस के तहत वो कार्य कर रहे हैं। ये टोटली एजेंडा को लागू करने पे लगे हुए हैं किसी दल विशेष का। क्या ये माना जा सकता है कि शिक्षा का जो माहौल है उसको एकदम ये प्राचार्य जो हैं वो शिक्षा के माहौल को खराब करने पे तुले हैं। जिस प्रकार से उनकी शिकायतें आ रही हैं हम लोगों के पास, निश्चित रूप से वो माहौल को खराब करने में लगे हैं। और ये जो FIR दर्ज हुआ है छात्रों के खिलाफ, ये समझ लीजिए कि उसमें एक कड़ी है। कोई भी प्रिंसिपल या प्राचार्य ये नहीं चाहेगा कि उसके कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो। आप समझ सकते हैं कि जब उन पर FIR दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, तो वो लोग तो ब्लैकलिस्टेड हो गए, उनका चरित्र खराब हो गया। तो आप किसी के कैरेक्टर पर दाग लगा रहे हैं, उसका भविष्य चौपट कर रहे हैं और आप अपने आप को प्राचार्य मान रहे हैं। निश्चित रूप से प्राचार्य का ये एक्ट नहीं हो सकता। क्या मामला था कि थाना पहुंचे हैं विधायक के साथ महागठबंधन के? हम लोग के द्वारा जो पूर्व में जो शिलापट को कोताही किया गया था उसको लेकर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल जो FIR करने का काम किए, हम लोगों की तरफ से भी FIR देने का काम किया गया था, मगर FIR नहीं लिया जा रहा था।
निर्णय लेकर माननीय विधायक जी से हम लोगों ने बात किया। विधायक जी ने तुरंत संज्ञान लेने का काम किया और तुरंत थाना पहुंचने का भी काम किया और ये FIR लिया भी गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा पंत के प्रिंसिपल माने क्या मानसिकता के हो गए हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ऐसा मन उनका ऐसा मानसिकता हो गया है किसी पर भी FIR कर सकते हैं, किसी के चंगुल में दम बस गए हैं, माने किसी तरह के हम लोगों के बात को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। RSS मैंडेट के दम हो गए हैं, हम लोगों का बात अनसुनी सुन रहे हैं। हमको 14 तारीख की बात हुई थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं कॉलेज में, आप लोग का बोलने का हक नहीं, हमको कहे नहीं है कह सकते, हम भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ भी हो उसका मैं कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ठीक है जो करना होगा सब करिए, हम लोग का काम है जो हम लोग करना करेंगे। अब आज हम लोग विधायक जी माननीय विधायक जी और FIR दर्ज करने का काम करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में राष्ट्रध्वज लगाया गया था और राष्ट्रध्वज का झंडा फटा हुआ था। राष्ट्रध्वज हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि सर झंडा फटा हुआ है, इसको त्वरित तुरंत बदल दिया जाए। प्राचार्य ने कहा कि 15 अगस्त के बाद इसको बदला जाएगा और हम लोगों ने जब आग्रह किया कि सर अगर ऐसा है तो हम लोगों को आदेशित किया जाए, हम लोग भी बदल दें। प्राचार्य ने कहा कि तुम सब गैर असामाजिक तत्व हो, तुम लोगों को झंडा नहीं बदलने दिया जाएगा और हमारे संगठन के बाकी जो कार्यकर्ता थे उनको गाली गलौज किया गया, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही गई, उनको अंगरक्षकों से पिटवाने की बात कही गई, उनको शेड्यूल एक्ट के तहत कहा गया कि हम महाविद्यालय के कर्मियों से तुमको शेड्यूल एक्ट के तहत फंसवा देंगे और मुझे अभी भी अंदेशा है कि मुझे विभिन्न प्राथमिकियों में महाविद्यालय द्वारा झूठे प्राथमिकियों में फंसाया जा सकता है। प्राचार्य ऐसे मुझे सूचित किया था पहले ही 13 या 14 तारीख को कि सिन्हा कॉलेज जो है, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज जो है, वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगा हुआ है और प्राचार्य को इन लोगों ने सूचना भी दिया, उसके बाद भी वो झंडा बदला नहीं गया त्वरित, 15 अगस्त को वो झंडा बदला गया। तो कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता दर्शाती है कॉलेज प्रशासन की, प्रिंसिपल की, कि वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और हम लोगों की राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए छात्रों ने आवेदन दिया था थाने में कि आप उन पर FIR दर्ज हो कि फटा झंडा वो कैसे कैंपस में फहरा सकते हैं और सूचना देने के बावजूद भी वो बदला नहीं जाता है। कहीं ना कहीं इस मामले के लोग को लेकर लोग आए हमारे पास, तो मैं उनको लेकर थाने में आया था। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी इतना संवेदनहीन होने की छूट नहीं है कि वो बिहार टुडे के लिए मंटू ठाकुर की रिपोर्ट।